please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मंगलवार को पुराने लखनऊ में दो सराफा व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापेमारी की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मीडिया में छापेमारी की तस्वीरें वायरल होने से इनकम टैक्स के आला अफसर भी नाराज हो गए और अब छापेमारी में शामिल टीम के अफसर और कर्मचारियों की जांच की भी बात कही गई है। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को कन्हैयालाल रस्तोगी और उनके बेटे राजीव संजीव रस्तोगी के ठिकानों पर छापेमारी की और इस छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग ने 10 करोड़ रुपए नकद और 100 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए। राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी रेड कारोबारी ज्वेलरी के और शौकीन भी सोने के, इनका घर आप देख सकते हैं जहां मौजूद, ये भी सोने की तरह दिख रहा मॉडल, काफ़ी पैसा लगा हुआ इस आलीशान बिल्डिंग में और पिछले 40 घंटे से अधिक समय से इनकम टैक्स की रेड यहां चल रही है। बताया जा रहा मंगलवार से अब तक रेड जारी है। जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो भी अभी इस घर के अंदर है और लगातार छापेमारी की जा रही है। ये पुराना लखनऊ का इलाका आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो उनका परिवार है रस्तोगी का वो पूरा लिखा हुआ है 215/7/8/D2। अभी तक आप लोगों ने रेड फिल्मों में जरूर देखा रहा होगा कि कैसे सोने को लेकर पैसे को कैसे लोग घरों में छुपा कर रखते हैं। जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति प्रदेश और केंद्र की, उसके बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जो लगातार अपने काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेड में कुछ पुरानी नोटें भी मिली हैं, 100 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि अभी भी देश और प्रदेश में काले कारोबार के कई काले कुबेर मौजूद हैं। शायद रस्तोगी उसकी एक बानगी। हालांकि अभी रेड जो है वो लगातार जारी है, देखना ये होगा कि इसमें शामिल और कौन कौन से लोग होते हैं और अंतिम में क्या बरामद होता है, लैपटॉप में क्या मिलता है, मोबाइल में क्या डिटेल्स मिलते हैं, जो डायरियां मिलती हैं उसमें कौन से डिटेल हैं, तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है। फिलहाल राजधानी की सबसे बड़ी रेड अभी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। अमेरिका के लास वेगस में अपराधियों की गाड़ी का पीछा कर रहे एक पुलिस वाले ने उन्हें रोकने के लिए अपनी कार की विंडस्क्रीन पर गोली चला दी। इस एनकाउंटर के दौरान एक आदमी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी ने भी पुलिस पर 34 बार गोलियां चलाई, जिसके जवाब में उनका पीछा कर रहे पुलिस वाले ने अपनी कार की विंडस्क्रीन की परवाह नहीं की और गाड़ी चलाते हुए उन पर एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। इसके बावजूद अपराधियों ने गाड़ी को नहीं रोका, तब पुलिस वाला दोबारा उनके पास पहुंचा और उन्हें एक बार फिर निशाना बनाया। इसके बाद पुलिस वाला उनके बगल में पहुंचा और इस बार उसने खिड़की की तरफ से गोली चलाई। इससे अपराधियों की गाड़ी बाईं तरफ जाकर रुक गई। एक आदमी गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पुलिस वाले ने भी अपनी गाड़ी रोककर पिस्तौल की मैगजीन बदली और फिर से गाड़ी पर फायर कर दिया। वो दीवार से टकराकर रुक गई। लास वेगस पुलिस ने पिछले बुधवार को हुए इस एनकाउंटर का वीडियो अब जारी किया है, जिसमें भागदौड़ के दौरान अपराधी भी पुलिस पर फायर करते दिखे। इस एनकाउंटर में कार चला रहा आदमी मारा गया जबकि उसका एक साथी जख्मी हो गया। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही सियासी खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद गिला शिकवा दूर कर लिया गया और शिवसेना ने कल होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ एनडीए के पक्ष में वोट डालने के लिए व्हिप जारी भी कर दिया है। लेकिन इससे पहले शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि आखिरी मिनट तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोपहर होने तक सुलह की खबर आ गई और शिवसेना ने सरकार को सदन में समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस मामले पर सियासत खत्म नहीं हुई है और आज लोकसभा में अपने भाषण के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। कल इस पर चर्चा होगी। राहुल गांधी बोल रहे थे 15 मिनट बोलूंगा देश में भूकंप आ जाएगा, ये कोई अंदेशा है? हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन किसके साथ हो सकता है। जानकारी के मुताबिक AIADMK मतदान के वक्त गैर हाजिर रह सकती है या फिर एनडीए के पक्ष में मतदान भी कर सकती है। वहीं TRS भी TDP के अविश्वास प्रस्ताव पर गैर हाजिर रह सकती है या फिर एनडीए के पक्ष में खड़ी हो सकती है। हालांकि शिवसेना ने अब सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, व्हिप भी जारी कर दिया है अपने सांसदों के लिए। टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी ने गैर हाजिर रहने का ऐलान कर दिया है और अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ सख्त बयान देते रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अब सरकार के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शेतकरी कामगार संगठन के सांसद राजू शेट्टी सरकार के विरोध में मतदान करेंगे।
वहीं संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सोनिया गांधी पर सीधे हमला बोला। एनडीए एकमुश्त है, एक मुश्त होकर के, एकजुट होकर के वोटिंग करने वाले हैं, वो कल आपके सामने आ जाएगी। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि मोदी सरकार के पास पूरे नंबर मौजूद हैं। सरकार को जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी आज भारत ही नहीं दुनिया के एक लोकप्रिय नेता हैं, देश के विकास का काम कर रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस लाया है, हम प्रामाणिकता से जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे और निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं हमारे साथ। मैम, पहली अग्नि परीक्षा जो मोदी सरकार की जिसमें आप एलाई हैं, पहली अग्नि परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं? मैं बात कर रहा हूँ अविश्वास प्रस्ताव की। कौन सी परीक्षा है, विरोधी भी जानते हैं कि वो हार रहे हैं, तो परीक्षा तो तब होती है ना जब कहीं पे ये नहीं मालूम होता कि जीत कहाँ है और हार कहाँ है। ये तो वो भी जानते हैं, नंबर उनके साथ गणित मैथ्स लगती नहीं है, तो ये फालतू में पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट करके जो बिजनेस कंडक्ट होनी है उस बिजनेस को डिरेल करने के लिए ऐसे ऐसे ये लोग काम करते हैं। फालतू की बातें देश के सामने रखेंगे, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और नंबर्स से भी और चीज़ों का जवाब भी इनको मिलेगा। तो ये तो अपना इन्होंने चलाया था मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने के लिए, उल्टा इन पे ही पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल है, क्या एनडीए पूरा इंटैक्ट है? क्योंकि शिवसेना ने कहा है कि अनंत कुमार पार्टी नहीं चलाते, उद्धव ठाकरे पार्टी चलाते हैं और आखिरी समय में ड्रामा हो भी सकता है कुछ। मैं उनके बारे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे भरोसा है कि एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है। तो थी हरसिमरत कौर बादल साहिबा जो कह रही थी कि पूरा एनडीए एक साथ है, एकजुट है और सिर्फ पार्लियामेंट का समय बर्बाद करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया है। पीएल पुनिया साहब, सरकार कह रही है कि फजूल में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया आपने सदन का समय बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आंकड़े तो आपके पास हैं नहीं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आंकड़े की बात और दूसरा जो संवैधानिक व्यवस्था उसकी बात है, तो दोनों के बारे में बताऊंगा। जहाँ तक आंकड़े का सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, शिवसेना उनसे नाराज़ है, वो कह रहे हैं कि भविष्य में उनके खिलाफ, उनके साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेलुगु देशम उनसे हट चुके हैं, उनके विरोधी हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। वाईएसआर कांग्रेस वो घटक दल से उसमें हट चुके हैं, पीडीपी हट चुकी है, और बिहार में जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वाले दिन पूरे हिंदुस्तान भर में सब लोग योगा कर रहे थे, लेकिन पता लगा कि नीतीश बाबू और जेडीयू के जितने मंत्री और पदाधिकारी हैं वो उसमें भाग लेने बायकॉट हैं। तो समय का केवल इंतजार है, वो भी एनडीए से जाने वाले हैं, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग क्या सार्वजनिक रूप से नहीं कह चुके हैं, उदित राज जी, अशोक दोहरे जी, सावित्रीबाई फुले जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, सुंदरलाल खैरवार जी जो सोनभद्र से हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अपने, और उन्होंने कहा कि दलित इश्यूज़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो अंदर ही अंदर जो आग सुलग रही है वो क्या नतीजा दिखाएगा, ये तो नंबर्स की बात है। शिवसेना करेगी नहीं, शिवसेना का सिर्फ एक नाटक खड़ा करते हैं विरोध करने का, लेकिन वो कभी भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के स्वयं बात है, उनके पास जो जितने 271 या 272 जो चाहिए वो अब उनके पास है नहीं, उनके पास मेजोरिटी है नहीं। बहुत से उनके घटक दल ऐसे हैं जो तड़प रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भागने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तो जो छवि है वो एक ऑथोरिटेरियन एक व्यक्ति की है। दूसरा, उनकी सरकार का कोई काम नहीं हो पाया है। तीसरा, वो जानते हैं कि ज़मीन पर पिटाई हो रही है सारी पक्ष दल के पार्टियों की, तो कौन सी पार्टी किस पल्ले गिरेगी ये मेरे ख्याल से हमारे नेता ज़्यादा जानते हैं। और सोनिया जी का ये कहना कि वो समझते हैं उनके पास बहुमत है, मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं हो सकता है और भी बड़ी दिक्कत आ जाए इस मोशन में।
हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी, आप लोग मुखर विरोधी हैं इस सरकार के, तो क्या आप लोग विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे और वोट भी करेंगे? देखिए, हम इस सरकार के मुखर विरोधी नीतियों के कारण हैं। इनकी जो नीतियां हैं वो राज्यों के विपरीत हैं, वो इस देश के विपरीत हैं, इस देश के संघीय ढांचे के विपरीत हैं। जब आपने विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा आंध्र प्रदेश की जनता और वहाँ की सरकार से किया, तो उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। तो इस विषय पर टीडीपी के नेता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे, और हम लोग पूरी तरीके से लोकसभा में भी और राज्यसभा में अगर इस पर बहस होगी तो उस बहस में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टीडीपी के साथ है। लोकसभा में आपके जो सांसद हैं, क्या उनसे बात हुई, वो लोग वोट करेंगे टीडीपी के पक्ष के पक्ष में? निश्चित रूप से लोकसभा के जो हमारे सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो टीडीपी के पक्ष में वोट करेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात होगी टीडीपी के लोगों की, और वो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया है टीडीपी ने उसका समर्थन करेंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। अविश्वास प्रस्ताव के मसले पर अब जिन दलों पर दारोमदार है उनके 73 सांसद हैं, और जानकारी के मुताबिक AIADMK अपने 37 सांसदों के साथ NDA को समर्थन दे सकती है। तो वहीं 20 सीटों वाली बीजू जनता दल ने अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक कोई फैसला ही नहीं किया है, जबकि TRS के 11 सांसद मतदान के दौरान गैर हाजिर रह सकते हैं। INLD के 2 सांसद हैं, अब तक सस्पेंस बरकरार है क्योंकि पार्टी ने कोई भी निर्णय अब तक नहीं लिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर में अलकायदा की शाखा अंसार गजवत उल हिंद पंजाब और जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले की कोशिश कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जवानों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले की फिराक में, और इसके लिए आतंकी संगठन का मुखिया जाकिर मूसा योजना बना रहा है। एक और अहम खबर कश्मीर से ही, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, और बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा में बाटपुरा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया है और ये मुठभेड़ लगातार जारी है। दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है, आशंका है कि 2 आतंकी यहां पर छिपे हैं। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, कितने आतंकियों के यहाँ होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए प्रशांत, अभी अभी जो है कॉर्डन किया गया था इस एरिया में, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को शायद पता चला था कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। कॉर्डन किया गया, अभी एनकाउंटर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है शायद 2 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हो सकते हैं। ये बटपुरा का एरिया है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हंदवाड़ा के करीब। तो ऐसे में अभी चूंकि वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया भी है, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितनी तादाद हो सकती है मिलिटेंटों की, लेकिन ये बात, इस बात की पुष्टि हुई है कि वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ और फायरिंग का सिलसिला जारी। शुक्रिया रिफत। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी से उनका पुराना नाता है और वो साथ नहीं छोड़ेंगे। सिन्हा के मुताबिक अब तो पार्टी मुसीबत में है और वो पार्टी का साथ ऐसे में कैसे छोड़ सकते हैं। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, सबकी नजर लगी हुई है कि कहां आपका वोट जाएगा, तो सभी जानना चाहते हैं। मैं तो खुली किताब हूं। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अहम सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी का साथ मेरा बहुत पुराना है, उस वक्त से है जब से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी केंद्र में, तब से लेकर आज तक सुख दुख का मैं साथी रहा हूँ। तो आज जब ये तथाकथित मुसीबत की घड़ी आई है, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि संख्या बल हमारे साथ है, वैसे कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन जब तथाकथित मुसीबत की घड़ी आई है तो मुझसे अपेक्षा भी है और हमारी इच्छा भी रहेगी कि अपनी पार्टी का हर समय और खासकर इस समय जरूर साथ। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आपने कई बार कई ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ पार्टी के खिलाफ भी उठाई जब पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये पार्टी की लाइन से अलग आवाज़ है। मैं पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ, मैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बातचीत करता हूँ, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलता हूँ मैं, और मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो पार्टी के हित में या देश के हित में या देश की जनता के हित में करता हूँ। मेरे अंदर सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काले कहने की शक्ति है, ताकत है, और मैं इसलिए कहता हूँ, इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं अपने लिए कोई फैक्ट्री नहीं मांगता हूँ, मैं अपने लिए कोई डील नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए कोई कट और कमीशन नहीं मांगता हूँ। मैं जनता के लिए और देश की जनता के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आप जिन्हें कहते हैं दलित परिवार के लिए, इनके लिए मैं भरपूर आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ जनहित में,
ये मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए जो लोग उस नज़रिए से देखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मेरे कैरेक्टर को पहचानो, मेरी सीनियरिटी को समझो, मेरी मैच्योरिटी का तकाजा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो सत्य है। मिसाल के तौर पर अब नीतीश बाबू ने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नीतीश बाबू ने भी बात उठाई है बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए, पहले भी उठाई थी, हमेशा उठाते रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, कुछ लोगों ने कहा बिहार की बोली लगाई गई कि साहब ये 75,000 करोड़ दे दूँ, 1,00,000 करोड़ दे दूँ, 1,50,000 करोड़ दे दूँ, 1,50,000 करोड़ दे दूँ, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे दिखता है कि विपक्ष ने इस बार ज़रा जल्दबाजी कर दी। ये